नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फालतू फोकट गेमर पे। और मैं भाग रहा हूँ इन लोगों से, चुच्चू लोग से। अरे विश्व, तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ करने वाले हैं जिसकी आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है। और वो चीज़ ये है कि भाई, मुझे सबसे पहले तो अपने एडवेंचर में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो लेनी है। वो तेरी व्हाट द हेल, वेयर इट, वेयर इज़ इट, हाँ, एंशंट हॉर्स र्यूमर जो है। अब ये जो र्यूमर है ये हम लोगों को मिलेगा आई थिंक यहाँ पे है। यस राइट, आइलैंड स्टेबल है। हाँ, आइलैंड स्टेबल ही है। यहाँ पर जाके हमें र्यूमर का, र्यूमर की जो किताब है, एक ट्रेसी नाम की लड़की है जो बहुत ही गपगप करती है, बहुत सारा गॉसिप, गॉसिप नहीं र्यूमर फैलाती है। गॉसिप कैसे फैला सकते हैं, है ना। FFG कुछ भी बात करता है लड़का, लड़के की हरकत में बरकत नहीं है। अरे वैसे हरकत बरकत को तो अपने जगह पे रहने देते हैं। ये सारी चीज़ें, चेस्ट वाली चीज़ें मैं पहले इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो एक बार ख़त्म हो जाए ना तो हम लोग मेन जो श्राइन्स वाइंस का क्वेस्ट है, जो कि मैंने पिछले बार भी बताया था, उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, ओए काय के लिए मुँह मुँह कर रहे हो तुम, ऐसा नहीं करने का। अरे वैसे तो यहाँ पर ये किताब है, फालतू फालतू गिरी करने की किताब है ये। रीड, I loved rumors since before I was born. In fact, I was the first to report on my rumored birthday. Tracy here. This time, I've got a juicy bit of gossip I've been dying to share. Juicy gossip. Ancient horse gear is real and it's fabulous. Apparently, there's some incredible horse gear from Hyrule Distance Park. अरे तुत्तू लोग, तुम लोग कैच देख रहे हो कुत्ते लोगों को? शर्म भी आती है भाई, रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, Horse gear from the Hyrule Distance Pass. I'm talking the long, long ago folks. A bridle that increases your horse skill. A saddle that can instantly summon your horse to your side. तो ये चीज़ मुझे बहुत काम आएगी क्योंकि आप लोगों ने मुझे देखा होगा कि मैं बेवकूफ़ों की तरह दौड़ते रहता हूँ, घोड़ा वोड़ा यूज़ नहीं करता। अरे वेस बीनीथ द चिली ट्री ब्लॉसम हायरूल रिच पे माउंटेन दैट क्रीचर्स गैदर। ओके, मुझे पता है ये कहाँ पे है। मिस्टीरियस स्प्रिंग वेयर द हॉर्स स्पिरिट रिसाइड। ओके, हॉर्स की जो आत्मा है, आप लोगों को पता चल ही गया होगा, लॉर्ड ऑफ द माउंटेन, उसके पास जाना है हमें। एटलीस्ट दैट्स व्हाट द र्यूमर से साउंड्स लाइक द एंशिएंट्स लाइक द टू हॉर्स अराउंड व्हाट आई नीड दैट गियर। ओके, द फाइव स्टार र्यूमर है तो ऑब्वियसली हमें जाना पड़ेगा अपने लुल्लू पुंजू जगह पे। लुल्लू पुंजू जगह कहाँ है मेरा? अरे मैं कुछ दिन बाद खेल रहा हूँ ना तो मेरा थोड़ा कहाँ गया भाई, ये वाला है ये क्या? हाँ यही वाला है, मॉक लतान श्राइन। तो यहाँ पर एक साकुरा ट्री है जिसके पास हम लोगों को बहुत सारे ब्लू पीस और वो मिले थे, एंशिएंट हॉर्स बोलता हूँ, लॉर्ड ऑफ द माउंटेन मिला था। और जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो एंशिएंट गियर पार्ट्स वार्ट्स के ऐसा मतलब दिखता है उसके स्ट्रक्चर में। मैंने अपना वीडियो बाद में देखा ना तो मुझे पता चला था यार, उसके बाद से मुझे मिला ही नहीं, पता है वो बड़ा नटखट है। ओके, तो लेट्स गो आई थिंक इधर से अपन शॉर्टकट मार सकते हैं यहाँ पर। ये कौवे लोग इतना बैठे रहते ना, पोटी वोटी करके पूरा गंदा कर देते हैं यहाँ पे। कोई बात नहीं, करने देते बेचारे लोग को, बदजमी बदजमी हो जाती है। तो लॉर्ड ऑफ द माउंटेन फिर गायब है। बट ये रहा चेस्टिटी ऑफ साइलेंस। ओके नाइस, गिर जाओ भाई तुम तो, थैंक यू वेरी वेरी मच गिरने के लिए। एंशियंट ब्राइडल, अ मिस्टीरियस ब्राइडल मेड विथ फॉरगॉटन एंशियंट टेक्नोलॉजी। इक्विपिंग अ हॉर्स विद दिस मैक्सिमाइजेस देयर एबिलिटी, इंक्रीजेस द नंबर ऑफ स्पर्स एसोसिएटेड विद देम। ओके नाइस, तो ये जो है कांड, ये तो कर लिया अपन ने, लेकिन इस कांड को करने के लिए और भी कांड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो कांड वाली चीज़ें हैं ना, मैं बताता हूँ आप लोगों को कि क्या कांड करना पड़ेगा। ओके नाइस, अभी एक वो था यार, बैरन रीजन में तो हूँ मैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ वापस जाना पड़ेगा ताकि मैं अपने घोड़े पे लगा सकूँ ये वाला जो एंशिएंट सैडल जो है उसको। इस सैडल से ये होता है कि आप जब वो हो करके करते हो ना, जब उसको एकदम हो नहीं, जब आ करके करते हो ना, आ मतलब कैसे बताऊँ मैं, वो जैसे वो उसकी स्पीड बढ़ जाती, बूस्ट मिलती है उसकी, तो वो आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अब मुझे ये नहीं पता कि कैसे लगाते हैं इसको।
बट देखते हैं एनीवेज। लेट्स गो, हर चीज़ करने का पहले पहली बार का समय रहता है, अच्छा लगता है मुझे। ओह ऑल राइट, ये क्या कर रहा है? इज दिस योर फर्स्ट टाइम हियर? इट्स माई फर्स्ट टाइम, आई सी। दिस प्लेन्स आर होम ऑफ मैनी क्वालिटी हॉर्स इन पास्ट नोमैडिक। ओके, परोसा, ये क्या दिखा रहा है? बैंड्स ऑफ राइडर्स रोम द प्लेन्स एक्टिंग लाइक दे ओन द प्लेस। ओके नाइस, मुझे कोई मतलब नहीं है परोसा तेरी बातों से, लीव इट टू मी, कर देता हूँ इसको ताकि खुश हो जाए बुढ़ा, थोड़ी सी चैन की सांस ले रहे। बट सबसे पहले तो मुझे अपना घोड़ू निकालना पड़ेगा। वेलकम टू द फाइन स्टेबल, यस, हाउ कैन आई हेल्प यू? टेक हॉर्स। ओके तो अरे सोनिक कहाँ घूम रहे भाई? हाँ ऑल राइट, रेडी, सिट टाइट। ओके थैंक यू सो मच। तो सोनिक जो है हमारा जेल्डा के घोड़े का पूर्व वंशज है। एंड देर यू गो, थैंक्स फॉर चूजिंग दिस हॉर्स, यू नीड्स हॉर्स के स्टेमिना कैन। ओके हॉर्स स्प्रिंट। अब मुझे ये नहीं पता कि माउंट तो मैं कर दूंगा, मेरे ख्याल से इसको हम लोगों को, क्या लगता है ना, मैजेस्टिक एकदम। एक मिनट की इस, मैं अगर ये वाला एंशियंट ब्राइडल मैं यूज़ करूँ, नहीं मुझे लग रहा है कि मुझे शायद यहाँ पे। हेलो देयर ट्रैवलर, वेलकम टू द सिविल, यू मे वांट टू। ओ ओके, कुछ कुछ बोली है लड़की। हाँ ओह, दैट्स अ माइटी फाइन हॉर्स यू हैव देयर, इफ यू आर इंटरेस्टेड मे आई हेल्प यू चेंज योर हॉर्सेस गियर मेन? यस 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 प्लीज। ओके बट यू शुड नो आई एम ऑनली इंटरेस्टेड इन हॉर्सेस दैट आर रेस्ड विद लॉट्स ऑफ लव, हाउ इज योर हॉर्स फेयरिंग ऑन दैट फ्रंट? 89% है भाई। नाइस, दिस लिटिल वन हैज़ काम आइज बट इट डजेंट फुली ट्रस्ट यू येट, यू नीड टू शो इट सम मोर लव, डू दैट एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट विद सम केयर। व्हाट द हेल, ये तो बदतमीजी कर रही है यार ये लड़की, मैं तो इतने पाल पोस के बड़ा किया तेरे को। ओके कोई बात नहीं, कैसे चलाते भाई? ओके नाइस, हो करना पड़ेगा इसको, चार कर। हो कैसे करूँ? हाँ ऐसे करते हैं, ये ऐसे निकालते हैं और ये ऐसे निकालते हैं। ओके प्यार बढ़ गया उसका। ओके हो कर रहे हैं अपन, थोड़ा और प्यार कर ले मेरे से प्लीज बसंती। ओके नाइस, थोड़ा सा और प्यार बढ़ गया मेरा, थोड़ा सा प्यार हुआ है, बहुत सारा बाकी। ए मार मत लिंकू, बहुत मार रहा है लड़का तू मुझे। ओके मेरे ख्याल से इतना प्यार काफ़ी रहेगा ना, किससे कम प्यार चाहिए, मतलब ज़्यादा चाहिए। ओके फुर फुर तो कर लिया अपन, पता नहीं एक बार में कितने बार में होता है, बट लेट्स सी कि अपन। ओए 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 ओए, क्या कर रहे है तू छोटू, ऐसा मत करी कर रहे, चल। ओके नाइस, मुझे ना अभी तक घोड़ा चलाना नहीं आया पता, इस गेम में मैंने यूज़ भी नहीं किया ना ज़्यादा। ओके मैडम चलो भाई अपना, हेलो देयर ट्रैवलर, वेलकम टू स्टेबल। ओके लेट्स गो, तो 100% जब तक का आपका प्यार नहीं रहेगा तब तक के आप उसको वो नहीं कर सकते। यस प्लीज़ ऑल इंटरेस्टेड। ओके प्लीज़ प्लीज़ बी 100%। इसका मुंह क्यों उतर गया? वाओ, दैट वंस आई पॉजिटिव स्टार्टिंग विद अफेक्शन, आई कैन टेल यू लिटिल वंस इज जस्ट हेड ओवर हील्स फॉर यू, दैट सेटल दिस, आई एम ग्लैडली हेल्प यू। ओके ओके थैंक यू वेरी वेरी मच। ओके तो मैं मेन वेन सब चेंज कर सकता हूँ यार, मुझे ये नहीं पता था। नॉर्मल मेन कैसा दिखता है ये है? ओ भाई मोहॉक, ओ हो, फ्रेंच वाला। ओह शिट, ये तो चंपा कली हो गई, ये तो एकदम। ओह शिट, ये तो घास बन गई, ये तो नाइस। ओ रेड, क्या लग रहा है इसके ऊपर, स्कारलेट और ऑरेंज, नाइस। पर्पल भी ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन मुझे ये पसंद आया भाई, ये लगाएंगे अपन। यस चेंज टू रेड मेन कर दिया हम लोगों ने। व्हाट डू यू थिंक, इज देयर एनीथिंग एल्स? यस चेंज द ब्राइडल, अब ब्राइडल मिला था हम लोग, एंशियंट ब्राइडल। यस
ओ भाई देख रहे हो उसको, अभी जो मैंने चेंज किया था उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया, देख रहे हो। बट यस, लेकिन ये मुझे लगाना पड़ेगा। व्हाट डू यू थिंक, इज देयर एनीथिंग एल्स? ओके चेंज द सैडल, मेरे पास क्या क्या सैडल है? ओके रॉयल सैडल ही रखते हैं। सैडल के लिए हम लोगों को कहीं पे जाना पड़ेगा। आई एम डन करेंगे इसको। लेकिन पूंछ उसकी मस्त लग रही है, देख रहे हो उसका पूंछ उसके पैर में घुस रहा है। दैट लुक्स ग्रेट, प्लीज कम बैक एनी टाइम यू फील लाइक चेंजिंग योर हॉर्सेस गियर। थैंक यू वेरी वेरी मच। क्या लग रही है मेरी हॉर्स? ओके और एंशियंट गियर में गलत जगह है। और एंशियंट गियर जो है मैंने लगा के रखे हुए हैं अपने आप में, तो और अच्छा लग रहा है। एनीवेज तो मुझे अभी जाना है कहीं पे। अरे अगर देखोगे तो ओए शिट, सॉरी। तो हायरूल वॉरियर्स जो है मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, आप लोगों ने देख लिया होगा, आज ही परचेज किया मैंने। अरे विस तो क्या करना था मुझे, हाँ मैप में देखना था। अरे वो फेरी कहाँ है, वो फेरी कहाँ है भाई? टफ्ट माउंटेन ये है क्या? टोरीना रिवर, अरे यार वो कहाँ, ये है क्या? आई थिंक हाँ ये होगी, हॉर्स गॉड ब्रिज, राइस राइट। ओके तो यहाँ से अपन लेफ्ट जाएंगे मस्त वाला। ओके ओके देख रहे हो अभी मेरे पास 7 वो हो गया है। ओके नाइस, कहाँ जाना है मुझे? जैसे यहाँ से मुझे पूरा किनारे किनारे जाके जाना है। नाइस, ओए कैसे कर रहा है, अत्याचार मत कर लिंक को उसके ऊपर। जी 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 पी जी पी जी पी। आई थिंक यहाँ से मुझे आगे चल के कोई है यहाँ पर। ओके यहाँ अंदर घुसना है अपने को शायद। यस अब सीधा सीधा जाना है अपने को। और देख रहा हूँ कितने जल्दी जल्दी वो हो रहा है, इसको एक बार सहला रहा हूँ मैं। म्यूजिक आया चेंज कर रहे हो यार, बहुत इजी हो जाता है पता ट्रैवलिंग। ओके हॉर्स गॉड के पास पहुंच गए हम लोग, बट हॉर्स गॉड से बात नहीं करनी है हम लोगों को क्योंकि वो नौटंकी है, नौटंकी लोग से अपन बात नहीं करता। ओ थोड़ा प्यार कर लो भाई लिंको, देख रहे हो कितना ओमिनस लगता है ना यहाँ पर। ओके तो आई हैव टू गेट आउट हियर क्योंकि मुझे यहाँ पर एक चेस्ट मिलेगा। राइटी, तो इसी चेस्ट के बारे में लोग बात कर रहे थे जब मैं नॉर्मल बिना डीएलसी के खेल रहा था कि भाई उसके पीछे चेस्ट था तूने लिया क्यों नहीं। भाई डीएलसी लो के ना तभी चेस्ट मिलता है, ठीक है। अब एंशियंट सैडल तो मिल गया मुझे, अब मुझे वापस जाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। अगर मैं डायरेक्ट टेलीपोर्ट हुआ कर दूँ, कितने गया सी यहाँ पे टेलीपोर्ट करता हूँ, और अगर मैं उसको बुलाऊँगा तो शायद आ जाएगा लड़का अपना। नहीं नहीं आएगा वैसे। ओके ओके सॉरी। ओके यहाँ तो आ गया हूँ मैं, अगर जस्ट इन केस मुझे फिर वो करना पड़ेगा तो उसकी जगह पे। भाइयों ये सिर्फ हॉर्स वाला ही इतना टाइम लग गया करने के लिए। ओके नाइस, तो भाई साहब को बुला लेते हैं अपन। वेलकम टू दिस टेबल, थैंक यू वेरी वेल, टेक हॉर्स। ओके सोनिक को, सोनिक राइट टेक हॉर्स। ओके ये चीज़ बहुत अच्छी है पता है, कि आप कहीं पर भी छोड़ के आ जाते हो तो स्टेबल में आकर वापस अपने हॉर्स को पकड़ सकते हो। नहीं तो फिर तो हो ही गया था। यू कैन टारगेट वेल माउंटेड एंड देन फोर्स द होटल टू मूव, जस्ट टू बी श्योर डोंट पुट योर हॉर्स इन डेंजरस सिचुएशन। व्हाट? ओके सॉरी सॉरी हॉर्स ही मैंने तुझे छोड़ा, लेकिन जल्दी करने का और कोई तरीका नहीं था। ए भाई इससे बात नहीं करना, ये बात करने के लायक नहीं है लड़का। ओके ओके अब इससे भी बात नहीं करना है। अरे
इससे बात करनी है मुझे। ओए कुछ 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 लड़का ना बहुत बहुत नालायक हो गया। कूदना कूदू कूदू। अबे व्हाट द हेल, ये घोड़ा चलता क्यों नहीं है मुझसे? प्लीज घोड़ू ऐसा नहीं करने का, मेरा बेइज्जती होता रही। ओके मस्त चल रहा है यार ये यार। लेकिन मैंने उसके उसका मेन देखना था यार, मुझे उसका जो सर के बाल थे वो साला दिमाग खराब। ओके नाइस, मैं मेरे ख्याल से उतर भी जाता तो भी मैं कर सकता था इसको, बट ठीक है मैं चढ़े चढ़े करना चाहता था। ओके सो यू वुड लाइक मी टू चेंज द गियर? यस वुड लाइक टू चेंज। ओके तो मुझे सैडल जो है ये वाली लगानी पड़ेगी, एंशियन सैडल जो है मैंने इतने कुछ संभाल के रखा था उसको। यस नो आई डोंट वॉन्ट टू चेंज एनी थिंग एल्स। ओके नाइस, तो अभी इसको ट्राई करने के लिए अपने को जाना पड़ेगा कहीं और, जैसे इधर जाते अपन। बाबरे मैं सोच रहा था कि मैं बहुत सारे जो गियर्स है वो करूंगा एंड ऑल दैट, बट क्या हम लोग ओके मैं ऐसे करूंगा तो आ जाएगा राइट? ओ माय गॉड ये हुई ना बात, अब तेरे को नीचे कैसे उतारूंगा मैं, बदतमीज चढ़ तो गया ऊपर। ओके तो दूसरी जो चीज़ है ना, मैंने अभी तक तैयारी नहीं की है मुझे क्या करना है, तो वही है कि मैं इसमें से अपने एडवेंचर लॉग में से देखूंगा और क्या क्या बचा है, क्या करने लायक है अभी। मेरे ख्याल से सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो तो मैंने कर ली हैं इसमें से, बट ये मैं देखना चाहता हूँ सर पर किंग करके, उस सर पर या सर पर जो भी है किंग है ये, उसको लेने की कोशिश करूँगा मेरे ख्याल से ये। हाँ ओके इसके लिए कहाँ जाना है अपने को? ओ यहाँ पे जाना है, यहाँ क्यों जाना है? अच्छा यहाँ पे एक्स ट्रेजर रूमर रहेगा है ना, तो ये सब करेंगे अपन भाई है ना, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा बीच बीच में कट लेना पड़ेगा। ओके भाई तो उस लोकेशन में तो मैं पहुँच गया हूँ, ये बारिश वारिश क्यों आ जाती है? और यहाँ पे स्नीकी स्नीकी रिवर स्नेल, तो यहाँ पर इसके रूमर से रिलेटेड है। फर्स्ट पेज भाई कितने पेज हैं इसमें? I hid the 6 priceless relics I stole from the Hyrule Castle in treasure chest. I shall write down their location. Misko, the traveling merchant's hood, is in the right hand of the dragon that consumes the spring of courage. मुझे पता है spring of courage कहाँ पर है? Dracozo Lake. Okay, nice. The blue garb of the hero who controlled the wind and traveled the ocean is where the Monar River was born. Okay, nice. In the swarm of the valley of the dead trees, south of the dueling peaks. Okay, nice. Evil spirit's armor set is hidden within Farron's sea of trees. At the highest of the tree waterfalls north of the lake Floria. Okay, at the bridge between small waterfalls. So, ye sari cheeze mujhe dekhni padegi. And at the broken stone bird of Ibramonstan. X2 is all that's written on the... Okay, nice. Parents Sea of Travels, thank you. At the highest of this tree, waterfall nice bridge between the Yevo, Broken Sea Bird. Okay, next. Okay, nice. Stop reading कर सकते हैं. Anyways, इसको update होने देते हैं हम लोग. और मैंने already जो 3 armor है, ताकि आप लोगों को painful तरीके से देखना मत पड़े, तो उनका जो location है मैंने सिर्फ pinpoint किया हुआ यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास एक map है जिसमें सारा location बता देता है और मैं इसमें और ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता टाइम। तो सबसे पहले अपन इस पे जाते हैं, मेरे ख्याल से यही स्प्रिंग ऑफ करेज है और यहाँ पर थोड़ा सा हिडन टाइप से है ये चेस्ट जो है। मेरे ख्याल से रावियोस मास्क ऐसा कुछ मिलता है वो इसमें, जिससे शायद क्लाइंबिंग स्पीड जो है अपनी बढ़ती है। देखिए लेट्स सी, प्लीज़ बारिश मत हो,
प्लीज़, थैंक यू वेरी वेरी मच। अगर बारिश नहीं होगी तो, अगर बारिश होगी तो भी थैंक यू वेरी वेरी मच। अरे वैसे हमें कहाँ जाना है? जाना कहाँ था मुझे? थोड़ा बाहर निकलते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। आई थिंक मुझे इधर जाना है, राइट? ऊ कर रहा है ये। भाई सब करिया वाले हैं ये। मुझे जाना कितने है? नहीं जाना, मुझे ऊपर जाना है क्या? लेट्स गो। मुझे पता है मैं गलत जा रहा हूँ, बट ऊपर क्या है इसके, वो भी मुझे देखना है। व्हाट द हेल? मुझे यहाँ तो कोई चेस्ट नज़र नहीं आ रही है, वो क्या है लेकिन? अच्छा वो कोरा पजल है। वेयर अ मिनट, व्हाट इज दिस बुलशिट? ओके वेयर आर यू? थैंक यू वेरी वेरी मच। स्प्रिंग में जाके कोई मतलब नहीं है। वो भाई मिलेगा कहाँ मुझे? एक मिनट, ये भाई साहब को निपटा देते अपन। नाइस, आ जाओ भाई थोड़ा सा। पंगा पंगा कर लिया है लोगों ने, इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए था मुझे एक्चुअली। मुझे लग रहा है यहाँ कहीं पे है क्या? मुझे लगता है ना वीडियोस वीडियोस देख लेना चाहिए मुझे ये सब चीज़ के लिए, तामझाम के लिए, है ना? ओए कहाँ फंस गया मैं? वो फंसी फंसी हो गया मैं तो, बट कुछ पता भी नहीं चल रहा मुझे। चड्डी वड्डी दिख रही है इसकी, ऐसा नहीं करने का मेरे साथ। ओए गिरने दो मुझे, व्हाट द हेल? ये तो बड़ी बेइज्जती वाली बात हो रही है भाई यहाँ पे। इसलिए बोलते हैं वीडियो देखने का दूसरे का, फिर उसके बाद आने का ये सब चीज़ के लिए। एक मिनट मैं उसमें पढ़ ही लेता हूँ ना क्या लिखा हुआ है उसमें। एडवेंचर देर यूजर पर किंग स्वामी जनरल 2। किसके बारे में लिखा है? मर्चेंट वुड रोजेस ट्रैवलिंग मर्चेंट्स हुड इज हिडन, बट वेयर कुड द मिस्टीरियस ड्रैगन बी? ओके विंड इज हिडन। ओरिजिनल डीवर सिस्टर्स रिक्वेस्ट, इस पे नहीं करेंगे अपन यार। व्हाट इज दिस पीस ऑफ शिट्टू शिट्टू? मुझे लग रहा है कि मैं शायद गलत जगह पर, मुझे शायद इधर जाना है क्या? आई थिंक मुझे इधर जाना है मे बी। उसके हाथ, हाँ ए आ मत कर मेरे सामने, वो चुप रहे। ओ मत करो मेरे सामने, रुकना बे। ये रहा ये रहा ये रहा, यहाँ पे। यस गोचा बॉय, गोचा बॉय एसोसिएशन का लीडर हूँ मैं। ओके तो यहाँ से 4 घंटे बर्बाद करने के बाद हम लोगों को मिल गया है रावियोस हुड, द हुड ऑफ द ट्रैवलिंग मर्चेंट हु हैड अ ब्रेसलेट दैट कुड टर्न द वियरर इनटू अ पेंटिंग। ओह वेयरिंग इट इंक्रीजेस योर साइडवेज क्लाइंबिंग। अच्छा साइडवेज क्लाइंबिंग, इट्स अ रादर रेयर फाइंड। ओके नॉट इंटरेस्टेड इन एनी थिंग एल्स। ओके तो देखते हैं दूसरे वाले के लिए, हमें बहुत ताम झाम करना पड़ेगा इसके लिए, राइट? तो उसके लिए पहले मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। ओके नाइस, अच्छी बात है। लेकिन उससे पहले अपन ये कर लेते हैं, ये वाला शायद मेरे ख्याल से बहुत इजी रहेगा। मे बी जब भी मैं बोलता हूँ ना कि इजी रहेगा तभी सब कुछ हार्ड हो जाता है। हार्ड नहीं करनी करी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एज ऑफ कैलामिटी खेलने के लिए। और शायद ये वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो मे बी उसका वीडियो आ चुका होगा।
देखते हैं, बट वही है कि इट ऑल डिपेंड्स कि यूएस में कब रिलीज होती है वो गेम, है ना, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। यही नीचे ही है वॉल आर्मर, तो अगर यूएस में अगर हो जाएगी ना, क्योंकि मेरा अकाउंट जो है यूएस का है, यूएस और यूके का ही अकाउंट बना सकते हैं अपना। यूके का बनाता तो काफ़ी महंगे मिलते गेम्स मुझे, इंडियन करेंसी में जब कन्वर्ट होता है। तो आई थिंक यहीं कहीं होना चाहिए वो। वेयर आर यू मिस्टर चेस्टू, वेयर इज़ माई चेस्ट? अच्छा अंदर जाना है क्या अपने को? ओ भाई साहब यहाँ छुपे हुए हैं। ओके तो इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा जुगाड़। अबे लिंको, फिसलने का नहीं, प्लीज प्लीज। ये बारिश ना मेरे खिलाफ ही है, पता है बारिश। ऊपर जा भाई ऊपर जा, सब भूल गया क्या वेब जी? लॉबस्टर शर्ट, नाइस। ओके ये क्या करता है भाई लॉबस्टर वाला? लॉबस्टर सिंह द हीरो ऑफ द विंड वंस वोर दिस शर्ट ऑन द क्वेंट आइलैंड ही कॉल्ड होम। दे से ही विल्ड द विंड टू ट्रेवल द ओशन। ओके हीट रेजिस्टेंस है ये तो, रादर रेयर फाइंड। ओके अच्छी बात है, रेयर रेयर चीज़ें मिल रही है अपने को। ओके तो यहाँ से अपना जुगाड़ हो गया। अब ये जो है मेन दिमाग ख़राब करने वाला वो ये चीज़ है, बट अपने पास सारे पावर्स वावर्स है तो हम लोग आसानी से वो कर सकते हैं। और अभी तो अपना घोड़ू सिंह को तो बुला ही सकते हैं अपन अपने पास, अगर ज़्यादा लंबा रास्ता हुआ तो। देखते हैं रिवालिस विंड से कितने दूर तक जा सकता हूँ मैं। अच्छा लगता है मुझे ऐसे विंड विंड से उड़ना। किसी ने तो आज भाई क्या क्या कमेंट किया था आज भाई, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आपको अच्छा लगता है, तो ऐसा मत बोला करो। सॉरी भाई इफ़ आई हैव समथिंग समथिंग योर फीलिंग्स। ओके यहाँ आ तो गया हूँ मैं, क्यों आया हूँ यहाँ पे यार? ये बारिश, मुझे लगता है अंदर ही मुझे ना आग वाग जला के वो कर लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। क्या इस इधर तक चढ़ पाऊँगा? घंटा नहीं चढ़ पाऊँगा, मेरे को वापस वो करना पड़ेगा। देख रहा हूँ ये क्या दुश्मनी है, पता नहीं मेरे इस मेरे से उसका। एक मिनट यार, मुझे ये पहनना पड़ेगा, जोर आर्मर पहनना पड़ेगा, नहीं तो मैं जा नहीं पाऊंगा आगे। वेयर इज माई जोर आर्मर? जोरू जोरू का गुलाम मैं बन के रहेगा। ओके नहीं बनेगा, ऐसा बनने का भी नहीं, ठीक है फालतू की बातें मत करो तुम। वेयर इज माई फ्लिंट टू, हियर इट इज। वेयर इज माई वुडी, हियर इट इज। फालतू की बातें कर लो। अबे अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एक इसलिए बोलते हैं भाई गेम खेलो तो लगातार लगातार खेल के ख़त्म करो। 10 घंटे बाद अगर आप करोगे तो फिर आपको पता नहीं रहेगा क्या करने का है। व्हाट? अरे बारिश खुला क्या? नहीं खुला है भाई, तुम लोग बेवकूफ़ मत बनाओ ठीक है। यहाँ पे कोने खोपचे में डालना पड़ेगा। वही मैं बोलूं साला, मैं उससे तो चलाता था कभी कभी। जिया जली जान जली नैनो तले भजिया तले। अरे यार बुडू यार, सारी दुनिया मेरे खिलाफ ऐसा लग रही है मुझे। सारी दुनिया मेरे खिलाफ है, मेरे सर में पिसाब है। आहा फालतू की बातें कर लो भाई, तुम कर लो एफ जी फालतू की बातें प्लीज। यार ये वुड का क्या करूं मैं? प्लीज प्लीज रुक जा वुड्डू। अबे यहाँ बारिश हो रही है क्या? आई डोंट थिंक कि बारिश हो रही है यहाँ पे। लेट्स सी कि यहाँ पे अपन जुगाड़ कर सकते हैं क्या। ओह नाइस प्लीज। हाँ मॉर्निंग करेंगे अपन। प्लीज आग सिंह, मुझे पता है मैं अपना फ्लेम वाला सॉर्ड भी वो कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, अपने को खुजली अजीब टाइप की है ठीक है। ओ ये भी आ रहा है ड्रैगो, ड्रैगो सिंह डोंट कम नाउ। ओके लेट्स गो।
ओए ओए ओए, मेरी ऐसी तैसी होने वाली है। ओके नाइस, नहीं होगी। क्या हवा चलती रहती है ना यहाँ पर, अच्छा लगता है मुझे हवा। ओके लेट्स गो इधर से। रिवाली की दिवाली कर दी अपन। कोई इजी तरीका नहीं है क्या इसमें पहुँचने वहुँचने के लिए? मुझे नहीं लगता वैसे तो। और ये फाइनल रिवाली यूज़ कर रहे हैं अपन। रिवाली तेरी रिवाली, टेंग 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 टेंग। बहुत दूर जाना है एफ जी, कैसे करते हो तुम ऐसा नहीं करने का? ओके बहुत दूर जाना भी है और फिर उसके बाद मुझे ढूंढना भी है कि वो कहाँ पर है। दो चीज़ तो अपने को आसानी से मिल गई थी। ओ भाई, गार्डियन सिंह, गार्डियन सिंह उपाध्याय इज देयर। ओके नाइस, तो मुझे कितनी दूर जाना है अभी? कहाँ है मेरा? ओए व्हाट, जनरेटर तो वो दिखता है यार मेरा। आई थिंक मुझे इधर जाना है, इस पहाड़ के पीछे जाना है। आई थिंक बहुत कर रहे हो जी आजकल। ओके मुझे घोड़ेश्वरी को लाना पड़ेगा क्या? चल आ जा घोड़ू भगवान। व्हाट, देख रहा राइस वाइस मिल जाता है अगर। ओए चढ़ने का नहीं मेरे ऊपर। ओके मेरे को लग रहा है कि ये तूतू मेरे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मॉन्स्टर्स नियर बाय थे। अभी तूतू को बुलाएगा मैं। व्हाट, एक सेकंड, मेरे पास है ना मॉन्स्टर ब्राइडल वाइडल तो सब है यार, ये कैसे नहीं हो रहा है? वो आ गया, आ गया, आ गया लड़का अपना। बट देखना मुझे, मैंने बुलाया तो है इसको लेकिन कोई मतलब का नहीं होगा इसको बुलाना। चल भाई जंप मारेंगे हम लोग ऊपर से, ठीक है? उठ जाइयो, गुड बॉय। ओके यहाँ कहीं पे है वो, ओ तेरे कूदना साले, आलसी गिरी मत कर। चल ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुझे मरवाना नहीं चाहता, सॉरी वेरी वेरी मच। ओके तो अभी यहाँ पे क्या है भाई? डेड ट्रीज वाला सीन था, कुछ तो बोला था डेड ट्रीज में, लेकिन यहाँ पे डेड ट्रीज के साथ साथ ये दलदल का है कोई भाई को दलदल। अरे 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 अपन इधर जाएंगे, एक कोरू ले लेते हैं। ओके नाइस, अबे इधर है। ओह ये झांसेबाजी कर रहे हैं ये लोग, यहाँ पे आएगा शायद। ओ नहीं एक ही बचा हुआ, ये ऊपर आएगा। प्लीज आजा, थैंक यू वेरी वेरी मच। हू हाँ तेरे को भी, यहाँ गच्चिक। ओके तो यहाँ पर क्या सीन है भाई, कहाँ? ओ ये रहा भाई साहब। अरे दलदू, दलदू बहुत होता है आजकल। प्लीज़, अरे यार मैं गिर जाऊँगा अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो। व्हाट द हेल, व्हाट द हेल, नॉट द हेल। ओ नाइस, बच गया अपन। देखा एफ एफ जी इज प्रो माई ब्रो। ब्रो ब्रो नहीं करने का एफ एफ जी, अच्छा नहीं लगता मेरे को ब्रो ब्रो बोलते हो तो। ओके जेंट्स हेलमेट, अच्छी बात है जेंटू सिंह। ओके यूसर्पर किंग का कंप्लीट हो गया है ना, नाइस। अब क्या क्या बचा मेरे पास? अबे ऊपर जा। ओके गार्ड रूमर्स है जो कि हायरूल कैसल में जाना पड़ेगा अपने को, राइट। डार्क आर्मर है भाई, डार्क आर्मर दया विलेज रुइंस। हाँ ये तो हम लोगों ने ले लिया ना, आर्मर स्टिल हिडन, तीन बचे हुए इसमें। वो ज़्यादा कुछ नहीं बचा एक्चुअली देखा जाए तो, दो ही चीज़ बची हुई है, रॉयल गार्ड और ये डार्क आर्मर। पीछे चाहिए यार, ये करके कोई मतलब नहीं है जो भी मैंने किया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे रूमर मिल का वो कर चुके हैं, तो इसके लिए मैंने, मुझे देखना पड़ेगा कि कौन से लोकेशन में है करके। मेरे ख्याल से फेरन रीजन में ही था, लेट मी चेक। ओके आई थिंक फेरन रीजन में ही है,
राइट, लोरिया रिवर के बारे में कुछ बोला था। अरे बस, तो मैं मार्क करता हूँ जो जो मुझे समझ में आता है, फिर उसके बाद अपन मिलते हैं। हो गया भाई, तो हम लोग अपने पहले ही जो आर्मर पीस है, डार्क आर्मर पीस, उसके लिए जा रहे हैं। और मैं टावर से छलांग तो मार दिया मैंने, लेकिन यहाँ पे बारिश का पंगा हो सकता है बहुत, है ना। और मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई ब्रिज व्रिज है, उसके आसपास है शायद। लेट मी चेकू, हाँ ये रहा ब्रिज, बिरजू यहाँ पे है, बिरजू के आसपास है भाई ये। लेट्स गो, हाँ ये रहा ना भाई। अरे उधर जाने जाना ही पड़ेगा मुझे, सॉरी वेरी वेरी मच करवाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अपन भाई साहब को निकालते हैं यहाँ से। अबे FFG ऐसा नहीं करने का। अबे 4 साल हो गए खेलते इस गेम को, लेकिन फिर भी नहीं आया मुझे खेलना। लात मारने का इसको फ्रस्ट्रेशन में। फैंटम गैनन, ओ हो। सम बिलीव दिस आर्मर इज इंस्पायर्ड बाय डार्क एंटिटी रिसेम्बलिंग द ग्रेट किंग ऑफ इविल हिमसेल्फ। इट्स अ रादर रेयर फाइंड, थैंक यू वेरी वेरी मच यू। ओके, तो ये वाला तो जुगाड़ हो गया। अभी दो जगह और मार्क किया हुआ है मैंने, मेरे ख्याल से ये वाला पहले पास पड़ेगा अपने को। ये वाले के लिए जाने के लिए हम लोगों को यहाँ से वो करके वो करना पड़ेगा, फिर वो करके वो करेंगे हम लोग। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने लाइनल से फाइट किया था, लाइनल लाइनल बाबा तंदूरी वाले। मज़ा आता है लेकिन लाइनल से फाइट करने का, अगर मेरे को थोड़ा सा लाइनल का टाइमिंग समझ में आए और मैं पैरी समझ जाऊँ उसका, तो मज़ा आ जाए सीरियसली सीरियसली। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ जो DLC 2 में जो चैलेंजेस है ना उसके लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे श्राइन्स हैं और श्राइन्स करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। आई लव मज़ा वाला श्राइन्स। ओके, म्यूज़िक सुन रहे हो? बंद हो गया जैसे ही बोला मैंने म्यूज़िक सुन रहे हो। ओके, तो यहाँ कहीं पर है वो। बुचुक, ओ बच गया मैं, मेरे पिछाड़ी में घुस जाता अभी। ओके, तो यहाँ कहीं पे कहाँ है वो तेरी, कैसे ढूंढेगा मैं? ओ ये रहा, ये तो सिंपल सा है, तो सिंपल सा पिंपल है भाई ये। ओए चुच्चू लोग, तुम लोग नहीं आने का मेरे पास, मर देते ही मैं। ओके, तो इससे स्टेल्थ अपना आप हो जाता है ऑब्वियसली। अगर गैनन का रूप धारण करेंगे हम लोग, तो उसके जो चिल्लू पिल्लू लोग हैं वो लोग हमसे अब लोगों को सलामी देंगे शायद, सलामी सलामी। और एक बहुत अच्छी बात है कि मैंने जोरा आर्मर पहले से ही पहना हुआ है, तो अभी मैं आप लोगों का टाइम बर्बाद नहीं करूँगा 3-4 सेकेंड और आर्मर चेंज करने के लिए, लेकिन लोडिंग में ज़रूर बर्बाद करूँगा मैं आप लोगों का टाइम। FFG की हरकत में बरकत नहीं है, कोई बात नहीं। सोडा शाह प्राइन, श्राइन प्राइन नहीं होता भाई, श्राइन होता है FFG। ओके लेट्स गो लेट्स गो। देख रहे हो मेरे तलवार की आग बुझी नहीं रही है ये करने से भी, तो मन ने जाना इत्थे है पर वो जगह कितने है। ओके, पहले इधर चढ़ू चढ़ू कर लेते अपन, ताकि थोड़ा सा देख लें अब लोग। बट मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा कि मैं जब ऐसे करके मैं देख रहा हूँ, तो मेरा जो लगाया हुआ वो है जनरली दिखता है ना ऐसे में, वो काहे नहीं दिख रहा है? हु केयर्स, हु केयर्स फॉर दिस स्टूपिड थिंग्स। ओके यहीं पे है तो फिर, हाँ एग्जैक्टली कहाँ है ये? रफाल इज गेल इज नाउ रेडी। ये भाई साहब को निपटा दिया जाए, बहुत इरिटेट करेगा, नहीं तो आ जा भाई तू निपट जाइयो। अच्छा लगता है ऐसा, ऊपर से मार देता हूँ मैं, कुछ और नहीं देगा नालायक। ओके लेट्स सी कि यहाँ पर क्या है, आर्मर वार्मर का, पानी वानी, ओ पानी में ही है तो। अच्छा इसी की, इसी को गार्ड कर रहा था वो, नाइस नाइसू सिंह था वो, नाइसू सिंह। बस कर, ए
व्हाट द हेल, तो फायर एरो निकला भाई ये तो। ओके हाँ, गड़बड़ हो गई, सिटी बच गई। आर्मर है कहाँ फिर? मैं गलत जगह आ गया हूँ क्या? रियोला स्प्रिंग बोला था कि कौन सा कोर्टा? इसमें तो हूँ मैं, मुझे शायद नीचे की तरफ देखना पड़ेगा क्या? कोई बात नहीं, नीचे भी जाके देख लेते हैं एक बार, नहीं तो फिर अपन ढूंढेंगे और अच्छे से। ओए ओए, उधर ऊपर तो नहीं था ना? प्लीज ऊपर मत हो ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अगर यहाँ नीचे, ओ ये रहा ना भाई, बदतमीजी करना बंद करो तुम, ठीक है? फालतू मार खा जाओगे क्या मतलब? ये देखो मर गए ना, ऐसा नहीं मरने का, फालतू अपनी जान जोखिम में नहीं डालने की। ये बकरा और ऊपर कर रहा है नाटक। ओके तो यहीं पे था यार, ये इतना सिंपल था और मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड बना रहा था लड़का बन के, मतलब लड़कों की तरह। फैंटम कैनन स्कल, ओ माय गॉड, क्या कूल है, क्या कूल है हम। FFG के जितने फूल नहीं है, हम लोग कूल कूल हैं। ओके लेट्स सी, झाड़ी जंगल झाड़ी में अपन चेंज कर लेते हैं इन्वेंट्री में जाकर। तो अभी मेरा ओ डिस्गाइस और बोन अटैक अप। ओके तो बोन वाली चीज़ों से मैं अगर मारूंगा तो मज़ा आ जाएगा लाइफ में, है ना? ओ माय गॉड दिस इज़ एक्चुअली कूल यार। उसका केव वेव भी है, उसकी सींग तो देखो, अल्टीमेट है ये आर्मर, आई लव इट। ओके ये भाई साहब का क्या सीन है? वो ये क्या है भाई, व्हाट? ये क्या लिजाल्फोस का पहना है क्या? लेकिन इस आर्मर के साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है ये, बट उसका स्कल बेटर है। इससे अपने को वो मिलेगा, ये प्रोटेक्शन है ओल्ड से शायद। ओके इससे अपने को आग से प्रोटेक्शन है, वो देख रहे हो प्रोटेक्शन कितने सारे मिल गए मुझे। और इससे अपन क्लाइंबिंग कर, एक मिनट ये क्या दांत है उसका, वेट एक मिनट, ये और ये मस्त है ना। बट मुझे सबसे बेस्ट ये इसका डिज़ाइन लगा यार, बहुत ही कूल है। ओके तो जितना मैंने डिफ़िकल्ट सोचा था इनको फाइंड आउट करना उतना था नहीं, ये तो फ़िलहाल हमें मिल गया। अभी देखते हैं कि लास्ट वाला शायद अगर इजी रहेगा तो अपन कर लेंगे, नहीं तो फिर अगले एपिसोड में करेंगे। ओके भाई तो मैं सोच रहा था कि मैं कर लेता हूँ लास्ट, एक ही बचा हुआ है, लेकिन वो रॉयल गार्ड जो आर्मर है वो खायरुल कैसल के अंदर है, और वहाँ जाएंगे तो अपने को बहुत पंगा करना पड़ेगा, ठीक है? और मेरे पास इतना टाइम नहीं। अबे कौन है पुचरुम पुचरुम कौन कर रहा है, तुम लोग मत आओ रे इधर। ओके तो वही है, अपन यहाँ पर ये ख़त्म करते हैं एपिसोड, ताकि हम लोग आगे चले जाएँ। और रेड चूचू जले, आप लोग सोच रहे होगे कैसे मिल रहा है मुझे, कि आप फायर वेपन से मारोगे तो रेड चूचू जले मिलेगा, और आप शॉक से मारोगे तो येलो मिलेगा, सो एंड सो। एनीवेज गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद इस पार्ट को देखने के लिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मज़ा आया हो, मज़ा आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, ताकि फटाफट जो है हम इसके एपिसोड जो है बनाते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में।